नमस्कार, स्वागत है आपका UK24x7 न्यूज में। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव पल्लव ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप, जहां मसूरी के एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बातचीत में गौरव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला, जहां उन्होंने भाजपा की नीति को लेकर कई सवाल या निशान खड़े किए। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश उनियाल की। देखिए, हम चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किस तरह उत्तराखंड को जिस तरह से डबल भ्रष्टाचारी सरकार ने बेरोजगारी में नंबर वन बनाया, वहाँ पे रोजगार के साधन कैसे मुहैया कराए जाए, इस पे बात कर रहे हैं। हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये की प्रतिवर्ष स्वावलंबन राशि देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह हम गैस के सिलेंडर 500 के अंदर रखें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हैं कि उनके नाक के नीचे देहरादून से ऋषिकेश का समुद्र बन गया और उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि जो एम्स ऋषिकेश का घोटाला हुआ उसमें ये कहा गया कि जो देहरादून से मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा गया वो ऋषिकेश समुद्री मार्ग से पहुंचा। वो कौन सा समुद्री मार्ग है? वो समुद्री मार्ग वही मार्ग है जो अवैध खनन की ओर ले जाता है। वो समुद्री मार्ग वही मार्ग है जो कुंभ में मेडिकल कोरोना जांच के घोटाले की तरफ ले जाता है देश को और उत्तराखंड के वासियों को। तो मैं पूरी जिम्मेवारी से ये कहना चाहता हूँ कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक एक इनोवा गाड़ी में आ जाएंगे, उनको 2 गाड़ी की टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात मसूरी में जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका सामना एक घोड़ेमार विधायक से हो रहा है, जो बेजुबान जानवर शक्तिमान के सामने अपनी शक्ति दिखाते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ घोड़ेमार विधायक को कि विधायक जी, ये डंपिंग ग्राउंड कचरे के अंदर 4 करोड़ का सौंदर्यीकरण कैसे होता है ये देश को और पूरी दुनिया को बताएं, क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कचरे के अंदर उन्होंने 4 करोड़ का सौंदर्यीकरण किया। ये सौंदर्यीकरण वैसा ही है जैसा कि देहरादून से ऋषिकेश के बीच समुद्री मार्ग बनाया गया। ये भ्रष्टाचार है, इसकी पूरी जाँच होगी और मैं पूरी जिम्मेवारी से आपको कहता हूँ इस भ्रष्टाचार में कोई भी व्यक्ति जो भी लिप्त है उनको जेल तो जाना पड़ेगा।